मेरे नबी
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रूह कुरान क्विज कंपटीशन के फ़ाइनल एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलमीना कंवल। नाज़रीन, सबसे पहले मैं और मेरी टीम आपकी बेहद शुक्रगुज़ार है कि आपने हमारे इस रूह कुरान क्विज कंपटीशन की काविश को ना सिर्फ पसंद फरमाया है बल्कि अपनी कीमती आरा से हमें आगाह भी किया है। नाज़रीन, आज हमारे साथ रूह कुरान क्विज कंपटीशन के फ़ाइनल एपिसोड में दो टीमें मौजूद हैं। ये दोनों टीमें हमारे रूह कुरान क्विज कंपटीशन के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में कामयाब होकर फ़ाइनल तक पहुंची हैं। तो सबसे पहले हम अपने पार्टिसिपेंट्स की जानिब जाते हैं और उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। जी, टीम ए में हमारे साथ कौन है? मेरा नाम फरवा बतूल है और मैं काउंटी गर्ल्स कॉलेज से हूँ। और आपके साथ हैं? मेरा नाम बशार फातिमा और मैं हयात कॉलेज से हूँ। टीम बी। मेरा नाम कोनिन शेदा है और मैं एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज से हूँ। और आपका साथ दे रही हैं? मेरा नाम मशमीना है, मैं नेशनल गर्ल्स कॉलेज से हूँ। नाज़रीन, रूह कुरान क्विज कंपटीशन का आज फाइनल एपिसोड जो है वो 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। हमारा पहला राउंड इनफरादी राउंड है। इसमें हम तमाम शरीक मुकाबला से 5-5 सवाल पूछेंगे। हर सवाल के 10 पॉइंट्स हैं। इसमें पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे से मशवरा करने की इजाज़त नहीं है। अगर आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दिया तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, और अगर आपने सवाल का जवाब गलत दिया, नहीं सही दिया, तो आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इसी तरह नाज़रीन, हमारा आज का दूसरा राउंड इज्तिमाई राउंड है। इसमें हम दोनों टीमों से 10-10 सवाल पूछेंगे। हर सवाल के 10 नंबर हैं और इस राउंड में दोनों टीमों को बाहमी मशवरे की इजाज़त होगी। अगर इन्होंने जवाब सही दिया तो 10 पॉइंट्स इनको मिल जाएंगे, और अगर ये जवाब देने में कामयाब नहीं हो सके तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। नाज़रीन, रूह कुरान क्विज कंपटीशन का आखिरी राउंड जो है वो ऑडियो और विजुअल राउंड है। इसमें दोनों टीम्स को बज़र दबा के जवाब देना होगा। इसमें हम तस्वीर भी दिखाएंगे और कुछ ऑडियोज़ भी सुनाएंगे। पार्टिसिपेंट्स को पहचाननी होंगी कि ये तस्वीर किसकी है और ये ऑडियो किसकी है। अगर आपने पहले सवाल सही सुनना है और उसके बाद बज़र दबाना है। आपने बज़र दबाया और जवाब सही दिया तो 10 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने बज़र दबा दिया और जवाब नहीं दिया या बज़र दबा के जवाब देना भूल गए तो इस सूरत में आपके 5 पॉइंट्स हम काट लेंगे। तो शुरू करते हैं नाज़रीन, रूह कुरान क्विज कंपटीशन का पहला राउंड। फरवा, मेरा पहला सवाल है आपसे, बताइए नुज़ूल कुरान का आगाज़ किस सन ईस्वी में हुआ? 610 ईस्वी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। नुज़ूल कुरान का आगाज़ 610 ईस्वी में हुआ। फरवा, मेरा दूसरा सवाल है आपसे, बताइए कि नमाज जनाजा में कितने सजदे होते हैं? कोई सजदा नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। नमाज जनाजा में कोई सजदा नहीं होता। फरवा, आपसे मैं तीसरा सवाल पूछने जा रही हूँ, सफ़ीउल्लाह किस नबी का लकब था? हज़रत आदम अलैह सलाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैह सलाम का लकब था। फरवा, आपसे अगला सवाल है, बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कौन सी फूफी शायरा थी, और उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वफ़ात पर मर्सिये भी कहे थे? हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो शायरा थी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। नाज़रीन, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की फूफी थी और वो शायरा भी थी। फरवा, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा ने रखा था, आप बताइए मुझे कि मोहम्मद के मायने क्या हैं? जिसकी सबसे ज़्यादा हम्द की जाए। बिल्कुल दुरुस्त। नाज़रीन, मोहम्मद के मायने हैं जिसकी सबसे ज़्यादा हम्द की जाए। बहुत खूब फरवा। अब चलते हैं हम बशायर की जानिब। बशायर, आप तैयार हैं? बशायर, मेरा पहला सवाल है आपसे, मुझे बताइए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने उम्रे अदा किए? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे अदा किए। दुरुस्त जवाब है बशायर। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रे अदा किए थे। बशायर, मेरा अगला सवाल है आपसे, बताइए कि ज़कात किस सन हिजरी में फ़र्ज हुई? ज़कात सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुई। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। नाज़रीन, ज़कात सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुई। बशायर, मेरा तीसरा सवाल है आपसे, जामिल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है?
हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जामिल कुरान भी कहा जाता है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जामिल कुरान भी कहा जाता है। बशायर, मेरा अगला सवाल है आपसे, बताइए ग़ज़वे अहद में हज़रत हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया? वहशी बिन हर्ब ने शहीद किया। जी नाजरीन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, ग़ज़वे अहद में हज़रत हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु को वहशी बिन हर्ब ने शहीद किया। बशायर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बताइए पहली वही का नज़ूल किस सन ईस्वी में हुआ? पहली वही का नज़ूल सन 610 ईस्वी में हुआ। बिल्कुल सही नाजरीन, पहली वही 610 ईस्वी में नाजिल हुई। बहुत खूब बशायर, अब चलते हैं नाजरीन हम अपनी अगली टीम की जानिब। मेरा पहला सवाल है आपसे, बताइए कौन है कि सबसे पहले गेहूं की काश्त किसने की? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाजरीन, सबसे पहले गेहूं की काश्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की। कौनैन, मेरा अगला सवाल है आपसे, किस गज़वा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए? गज़वा अहद। जी नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक गज़वा अहद में शहीद हुए। कौनैन, मेरा तीसरा सवाल है आपसे, बताइए कि कुरान पाक में मुस्तहिकीन ज़कात का जिक्र किस सूरा में आया है? सूरह तौबा। जी नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, मुस्तहिकीन ज़कात का जिक्र सूरह तौबा में आया है। मेरा अगला सवाल है आपसे कौनैन, कुरान हकीम का लातीनी ज़ुबान में तर्जुमा कब शाया हुआ? 1134। जी नाजरीन, ये तर्जुमा 1134 ईस्वी में शाया हुआ। कौनैन, मेरा अगला सवाल है आपसे, बताइए कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल सही नाजरीन, कुरान करीम में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आया है। और यहाँ मैं बताती चलूँ नाजरीन के हज़रत ज़ैद बिन हारिस को ये एज़ाज़ हासिल है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इन्हें अपना मुँह बोला बेटा कहा था। जी पश्मीना, मेरा पहला सवाल है आपसे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में कितनी मरतबा आया है? 25 मरतबा। बिल्कुल सही नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में 25 मरतबा आया है। वशमीना, मेरा अगला सवाल है, अदायगी ज़कात का असल मकसद क्या है? अपने माल को पाक करना और गुर्बत को ख़त्म करना। बिल्कुल सही नाजरीन, अपने माल को पाक करना और गुर्बत का खात्मा करना अदायगी ज़कात का असल मकसद है। वशमीना, मेरा अगला सवाल है आपसे, बताइए तयम्मुम का हुक्म कब नाजिल हुआ? दो हिजरी में। नहीं वशमीना, ये जवाब गलत है। नाजरीन, ये हुक्म 4 हिजरी में नाजिल हुआ। वशमीना, मेरा अगला सवाल है आपसे, बताइए महकमा पुलिस किसके अहद में कायम हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महकमा पुलिस की बुनियाद रखी थी। वशमीना, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बताइए इस्लाम के पहले शहीद सहाबी का नाम क्या है? हारिस बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन, हज़रत हारिस बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले शहीद सहाबी हैं। रूहे कुरान को इस कॉम्पिटिशन का पहला राउंड अपने अख्तिताम को पहुँचता है। पहले मरहले के अख्तिताम पर स्कोर बोर्ड की पोजीशन कुछ इस तरह है कि टीम ए ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स। रूहे कुरान क्विज कंपटीशन के दूसरे राउंड की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, ये राउंड इज्तिमाई राउंड है, इसमें हम दोनों टीमों से 10-10 सवाल पूछेंगे। जवाबात अगर दोनों टीम्स ने सही दिए तो 10-10 पॉइंट्स इनको हासिल हो जाएंगे, और अगर जवाब देने में ये कामयाब नहीं हो सके तो इस राउंड में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन टीम्स ये याद रखिएगा कि इस राउंड में आप एक दूसरे से मशवरे के बाद जवाब दे सकते हैं, इसकी इजाज़त है आपको। ठीक है, दोनों टीम्स रेडी हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे, बताइए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंगूठी पहना करते थे, उस पर क्या तहरीर था? उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर था, जो उस वक्त के दौर में और खुलफाए राशिदीन के दौर में मोहर के तौर पर इस्तेमाल होती थी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन, उस अंगूठी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह तहरीर था और ये चांदी की अंगूठी थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर में मोहर के तौर पर इस्तेमाल होती थी। टीम बी, मेरा पहला सवाल है आपसे, खाने काबा की तौसी के लिए
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी रकम में ज़मीन खरीदी थी? 10,000 दिरहम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाजरीन। खाने काबा की तोसनी के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10,000 दिरहम में ज़मीन खरीदी थी। टीम ए, आपसे सवाल है मेरा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब इसराइल है, आप बताएं कि इसराइल का मतलब क्या है? इसराइल के मायने रात को सफ़र करने वाला अल्लाह का बंदा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाजरीन। इसराइल का मतलब है रात को सफ़र करने वाला अल्लाह का बंदा। टीम बी, आपसे सवाल है मेरा, जंगे मौता में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हाथ से कितनी तलवारें टूटी? 9 तलवारें टूटी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हाथ से 9 तलवारें जंगे मौता में टूटी थी। टीम ए, सवाल है मेरा आपसे कि दीन में कोई जबर नहीं, आप बताएं कि ये आयत है या कौल? ये आयत है, लाइक रहा फिर दीन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, ये आयत है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। नाजरीन, ये कुरान की आयत है। टीम बी, आपसे सवाल है, बताइए कि झूठ से बचने का हुक्म किस सूरा में है? सूरह हज, सूरह जासिया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, सूरह जासिया में और सूरह हज में झूठ से बचने का हुक्म है। टीम ए, आपसे सवाल है मेरा, नबुवत के 5वें साल मुसलमानों ने कहाँ हिजरत की? नबुवत के 5वें साल मुसलमानों ने हबशा की जानिब हिजरत की। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, नबुवत के 5वें साल मुसलमानों ने हबशा की जानिब हिजरत की। टीम बी, आपसे मेरा अगला सवाल है, बताइए कि गारे सौर में क़याम के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की कौन सी बेटी खाना पहुँचाती थी? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाजरीन, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गारे सौर में क़याम के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खाना पहुँचाया करती थी। टीम ए, आपसे सवाल है मेरा, मिसाक़े मदीना कब हुआ? मिसाक़े मदीना सन 1 हिजरी में हुआ। जी नाजरीन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, मिसाक़े मदीना 1 हिजरी में हुआ। ये दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर था जो महाजरीन और अंसार के दरमियान हुआ था। टीम बी, मेरा सवाल है आपसे, बताइए कि कुरान हकीम में किस पैगंबर के किस्से को अहसनुल कसस कहते हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को अहसनुल कसस कहा जाता है। टीम ए, कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का जिक्र किस सूरा में आया है? सूरह हूद में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाजरीन, कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का जिक्र सूरह हूद में आया है। टीम बी, आपसे सवाल है मेरा, बताइए ख़त्म नबूवत का जिक्र किस सूरा में है? सूरह अहज़ाब। जी नाजरीन, सूरह अहज़ाब में ख़त्म नबूवत का जिक्र है। टीम ए, आपसे सवाल है मेरा, बताएं कि ग़ज़वा मौता कहाँ हुआ? ग़ज़वा मौता उर्दन के करीब बलका के मकाम पर हुआ। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, ग़ज़वा मौता उर्दन के करीब बलका के मकाम पर हुआ। टीम बी, मेरा सवाल है आपसे, बताइए कि कुरान मजीद की कौन सी सूरा में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है? सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, एक सूरह के आगाज़ में आई है, दूसरी मलका बिल्किस ने जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा था उसकी शुरुआत में है। आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन ख़त जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को लिखा था। जी नाज़रीन, सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है, एक तो सूरह के आगाज़ में ही बिस्मिल्लाह है और दूसरी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका सबा को ख़त लिखा था तो उस ख़त के आगाज़ में भी बिस्मिल्लाह तहरीर है। और मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि मलका सबा का असल नाम मलका बिल्किस था, लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक सबाई ख़ानदान से था इस वजह से वो मलका सबा भी कहलाती थी। टीम ए, मेरा सवाल है आपसे, ज़कात न देने वालों के ख़िलाफ़ किसने जिहाद किया? ज़कात न देने वालों के ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिहाद किया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन, ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिहाद किया। आज दोनों टीम अपनी पूरी तैयारी से हैं। टीम बी, आपसे सवाल है मेरा, कुरान मजीद में साहिबुल हूत किसे कहा जाता है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन, साहिबुल हूत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। टीम ए, मेरा सवाल है आपसे,
बताइए कि हज़रत नूह अलैह सलाम को आदम सानी क्यों कहा जाता है? हज़रत नूह अलैह सलाम को आदम सानी इसलिए कहा जाता है कि तूफ़ान नूह के दौरान नस्ल इंसानी ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद नस्ल का आगाज़ हज़रत नूह अलैह सलाम के ज़रिए ही हुआ था। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तूफ़ान नूह में तमाम नस्ल इंसानी ख़त्म हो गई थी, तो लिहाजा हज़रत नूह अलैह सलाम से इसका दोबारा आगाज़ हुआ था, इस वजह से हज़रत नूह अलैह सलाम को आदम सानी कहा जाता है। टीम बी, आपसे सवाल है मेरा, कुरान करीम में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मर्तबा आया है? 4 मर्तबा आया है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मोहम्मद 4 मर्तबा आया है। टीम ए, मेरा आपसे सवाल है, बताइए ग़ज़वा बदर में अबू जहल को किसने कत्ल किया? ग़ज़वा बदर में अबू जहल को 2 अंसारी बच्चों माज़ और मौज़ ने कत्ल किया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अबू जहल को 2 अंसारी बच्चों माज और माउज़ ने कत्ल किया था। टीम बी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बताइए सूरह रहमान की आयत फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सूरह रहमान में कितनी मर्तबा दोहराई गई है? 31 मर्तबा दोहराई गई। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन, यह आयत कुल 31 मर्तबा दोहराई गई है। रूहे कुरान क्विज कंपटीशन का दूसरा मरहला अपने अख्तिताम को पहुंचता है नाजरीन। दूसरे मरहले में दोनों टीमों का स्कोर कुछ यूं है कि टीम ए ने इस मरहले में हासिल किए 100 पॉइंट्स और टीम बी ने भी हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स, और इस तरह दोनों मरहलों के अख्तिताम पर टीम ए के मजमूई पॉइंट्स हैं 200 और टीम बी के मजमूई पॉइंट्स हैं 190। रूहे कुरान क्विज कंपटीशन का आखिरी और तीसरा मरहला ऑडियो और विजुअल राउंड है। इसमें हम पार्टिसिपेंट्स आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और ऑडियोज़ भी सुनाएंगे। आपने पहचाननी होगी कि तस्वीर किसकी है और ये आवाज़ किसकी है। आपने राउंड में सवाल का जवाब आपने बज़र दबा के देना होगा। अगर आपने सवाल मुकम्मल होने से पहले ही बज़र दबाया तो आपके 5 पॉइंट्स माइनस कर लिए जाएंगे। सवाल आपने पहले मुकम्मल सुनना है, और अगर आपने बज़र दबाया और जवाब देने में भी नाकाम रहे तो उस सूरत में भी आपके 5 पॉइंट्स माइनस कर लिए जाएंगे। तो आप तैयार हैं? जी, मेरा पहला सवाल है आपसे, बताइए ये पाकिस्तान की कौन सी मशहूर मस्जिद की तस्वीर है? मस्जिद तूबा कराची। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन, मस्जिद तूबा कराची की ये मस्जिद है जो पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ मस्जिद है। जी, मेरा दूसरा सवाल है, क्या आप इस मकाम को पहचान सकते हैं? टीम ए, गारे हिरा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन, ये गारे हिरा की तस्वीर है। जी, बताइए कि किस मारूफ सनखा की आवाज़ है? इश्क को हुस्न के अंदाज सिखा लूं। टीम बी, उम्मे हबीबा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन, उम्मे हबीबा पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ सनखा। मेरा अगला सवाल है टीम साहब से, बताइए ये किस इमारत का अंदरूनी मंजर है? टीम ए, खाने काबा का अंदरूनी मंजर है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, खाने काबा का अंदरूनी मनाजिर है। जी, मेरा अगला सवाल है, बताएं कि आप इस तस्वीर में मौजूद शख्सियत को पहचान सकते हैं? टीम ए, शेख सादी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाजीन, शेख सादी की ये तस्वीर है। जी, मेरा अगला सवाल है, बताएं कि ये आवाज़ किस मशहूर नातख़्वा की है? ज़हे मुकद्दर हुज़ूर हक से सलाम आया पर। जी, टीम ए, वही ज़फ़र कासमी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब। जी, मेरा अगला सवाल है, ये तस्वीर पहचानिए, ये किस शख्सियत का अमामा है? नाजरीन, दोनों ने 7 बज़र दबाया है, तो लिहाजा हम दोनों से पूछ लेते हैं कि जवाब सही क्या है। टीम ए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामा मुबारक है। टीम बी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामा शरीफ। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ये तस्वीर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा मुबारक की है। दोनों टीम्स को इस सवाल के पॉइंट्स दिए जाएंगे। मेरा अगला सवाल है, बताएं ये किस मशहूर जगह की तस्वीर है? टीम बी, असाबे कहफ। ये असाबे कहफ की नहीं बल्कि गारे असाबे कहफ की तस्वीर है। आपका जवाब गलत हो गया है, आपके 5
पॉइंट्स माइनस कर लिए जाएंगे। टीम बी, आप ये देख रहे हैं कि जुमले की तरतीब कितने मायने रखती है। ये असाबे कहफ की नहीं बल्कि गारे असाबे कहफ की तस्वीर थी। ये पूरा मुकम्मल जवाब आपने देना था। जी, मेरा अगला सवाल है, बताएं कि ये किस मशहूर नात खां की आवाज़ है। टीमें, आपने सवाल मुकम्मल होने से पहले ही बजर दबाया था, तो लिहाजा आपके 5 पॉइंट्स माइनस कर लिए जाएंगे। नाजरीन, ये आवाज़ है सिद्दीक इस्माइल, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ नात खां। टीम्स, मेरा आखिरी सवाल है, सवाल को पहले मुकम्मल होने दीजिएगा, बताइए ये किस मकाम की तस्वीर है। नाजरीन, दोनों टीमों ने साथ ही बजर दबाया है, तो हम पहले टीम ए से जानेंगे इसका जवाब, बताइए। ये गारे सौर की तस्वीर है। टीम बी, आप भी बताइए। गारे सौर की तस्वीर है। दोनों टीमों ने सही जवाब दिया है नाजरीन, ये गारे सौर की तस्वीर है, तो लिहाजा हम 10 पॉइंट्स दोनों टीमों को देंगे। इस तरह रूह कुरान को इस कॉम्पिटिशन का आखिरी मरहला अपने अख्तिताम को पहुँचता है। नाजरीन, इस मरहले में टीम ए ने हासिल किए हैं 55 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 35 पॉइंट्स और मजमूई तौर पर टीम बी ने हासिल किए हैं 225 पॉइंट्स और टीम ए 255 पॉइंट्स हासिल करके आज की फाते टीम करार पाई है।